जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में दो आतंकियों को किया ढेर। आतंकियों की गोली लगने से एक जवान शहीद हो गया और दो जवान घायल हुए। इलाके में जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों को अवंतीपोरा में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने घेराबंदी की और आतंकियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में मारे गए आतंकी कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या में शामिल थे। उमेश पाल हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी सदाकत की तस्वीरें आई हैं सामने, जिसमें वो अखिलेश यादव के साथ आ रहा है नजर। एलएलबी का छात्र आरोपी सदाकत के समाजवादी पार्टी से संबंध होने का भी किया जा रहा है दावा। बताया गया कि आरोपी सदाकत खान माफिया अतीक अहमद के परिवार का भी है करीबी। सदाकत खान को इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से किया गया है गिरफ्तार। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने क्रेटा कार के मालिक नफीस को किया गिरफ्तार। अतीक अहमद के भाई के साथ नफीस की तस्वीर भी आई है सामने। नफीस की भूमिका इस मामले में बनी हुई है संदिग्ध। नफीस ने कुछ महीने पहले ही एक महिला को बेची थी कार। नफीस को अतीक अहमद का काफी करीबी बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले में अब तेजी के साथ जांच को आगे बढ़ा रही है। उमेश पाल हत्याकांड में यूपीएससीएफ ने मोहम्मद उस्मान छर्रा की तलाश कर दी है तेज। जानकारी के मुताबिक उस्मान छर्रा का गुजरात के अहमदाबाद में एक फ्लैट भी है, जिसमें अतीक के करीबी रुकते भी हैं। बताया ये जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद से उस्मान छर्रा फरार है। वहीं इस केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में पुलिस के खिलाफ अर्जी भी दी है। शाइस्ता ने पुलिस पर उनके बेटे को उठा ले जाने का आरोप लगाया। यूपी के गाजीपुर में पुलिस ने मुख्तार अंसारी के करीबियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। मोहम्मदाबाद इलाके में पुलिस मुख्तार के तीन करीबियों के घर पहुंची और उनके घर की तलाशी ली। पुलिस की टीम जफर चंदा, अंगद राय और अमित रॉय के घर पर भी पहुंची और यहां पर छापेमारी की। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात रहा। छापेमारी के दौरान कई अहम चीजें भी बरामद हुई। मध्य प्रदेश में इंदौर पुलिस ने एक संदिग्ध सरफराज मेमन को हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए की टीम संदिग्ध से पूछताछ करेगी। फिलहाल इंदौर इंटेलिजेंस की टीम संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध पिछले 4 सालों से इंदौर में रह रहा था। दावा है कि सरफराज मेमन पाकिस्तान और चीन से समाज में हिंसा भड़काने की ट्रेनिंग लेकर आया था, जिसके आरोपी उसे हिरासत में लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कुछ साल में हमारी सरकार ने टेक्नोलॉजी की मदद से नागरिकों के लिए जीवन सुगमता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। जनधन खाते, आधार और मोबाइल फोन की वजह से करोड़ों गरीबों के खातों में सीधे पैसे भेजना संभव हो पाया है और कोरोना के दौरान टेक्नोलॉजी से ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन में बड़ी मदद भी मिली। जम्मू में आधार शिविर कटरा के दुकानदारों ने बाजार बंद का आह्वान किया है। उनके साथ घोड़े, पिट्ठू और पालकी वाले भी हड़ताल पर चले गए हैं। ये श्राइन बोर्ड से नाराज हैं। इनका आरोप यह है कि श्राइन बोर्ड कटरा से भवन तक रोपे लगा रहा है, जिसे इनकी रोजी रोटी पर असर पड़ेगा। इसी का विरोध करने के लिए इन सब ने काम को बंद कर दिया है। हालांकि हड़ताल कब तक चलेगी इस बात में कोई जानकारी नहीं है। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। होली से पहले चेकिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान एक कार रोकी भी गई और तलाशी भी ली गई गाड़ी की, जिससे कि भारी मात्रा में विदेशी शराब को जब्त किया गया है। इसके साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नशे की बड़ी खेप यूपी से गोपालगंज लाई जा रही थी, जिसे होली में सप्लाई किया जाना था और इस मामले में पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश के देवास में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के आरोपियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। आरोपियों की अवैध संपत्ति पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। आरोपियों का अवैध तरीके से बना मकान ध्वस्त कर दिया गया है। 13 फरवरी को सड़क हादसे में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई थी और देवार पुलिस की जांच में हादसा नहीं हत्या होने का पर्दाफाश भी हुआ था और उसके बाद से ही देवार पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कोशिश यह है कि जल्द से जल्द आरोपी हत्थे चढ़े। दिल्ली के रणहौला इलाके में चंचल पार्क में सोमवार शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से सनसनी फैल गई। इलाके में केबल दफ्तर में घुसकर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से एक आदमी बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक बाइक से आए 3 बदमाशों ने करीब 13 राउंड फायरिंग की। फायरिंग केबल दफ्तर पर की गई, जहां काम करने वाले एक आदमी को 2 गोलियां लगी। तीनों फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। हरियाणा के रोहतक में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई, जिसकी चपेट में पास से गुजर रहा एक आदमी भी आ गया और टक्कर लगने की वजह से आदमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। हादसे का वीडियो भी सामने आया है और इस हादसे के बाद से पुलिस इस बात की जानकारी जुटाने में जुट गई है कि आखिर टेम्पो में सवार कौन था।
मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली मुंबई रेलवे में एक लोकल ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतरने की वजह से ट्रेन यातायात कई घंटों तक बाधित रहा है। हादसे की खबर मिलते ही कई रेलवे अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। कोशिश ये की गई कि जल्द से जल्द रास्ते को खुलवा दिया जाए और रेल को बहाल कर दिया जाए। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक मकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने आसपास के 18 मकानों को भी चपेट में ले लिया है। आग में घरों का सारा सामान जलकर राख हो गया। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। वैसे वहां मौजूद लोग पहले से ही आग बुझाने की कोशिश में जुटे थे। गनीमत यह रही कि किसी को भी चोटें नहीं आईं और आग लगने का हालांकि पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से लगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। लठमार होली के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, जिसके तहत 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और ड्रोन की नजर से भी पहरेदारी की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध लठमार होली में शामिल होने बड़ी संख्या में श्रद्धालु बरसाना पहुंचे हैं और वहां पर पहुंचकर लठमार होली का जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। यूपी के आगरा में ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के सीईओ रिचर्ड ब्राउनिंग ने लेटेस्ट तकनीक से बनी एयर शूट का डेमो दिया, जिसका वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए। रिचर्ड ब्राउनिंग एयर शूट पहनकर हवा में सुपर हीरो की तरह उड़ते हुए नजर आए। डेमो देने के दौरान वो सड़क इमारतें और नदी को भी पार करते नजर आए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। चीन के एक लड़के का कोविड-19 को लेकर बहुत बड़ा दावा सामने आया है। लड़के के मुताबिक चीन में 2019 में पब्लिश एक किताब में कोरोना वायरस के आने की भविष्यवाणी कर दी गई थी। किताब के पेज नंबर 88 पर 2020 में कोरोना महामारी आने का जिक्र था। पहले भी चीन पर आरोप लगते रहे हैं कि कोरोना को विश्व में फैलाने का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि चीन ही है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां फुटबॉल मैच को करीब 4 मिनट 17 सेकंड के बाद रोक दिया गया। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि तुर्की में भूकंप का जो पहला झटका था वो 17 मिनट पर ही आया था। मैच रुकने का ऐलान होते ही मैदान पर चारों तरफ से खिलौने, मफलर और गर्म टोपियों की बारिश होने लगी। ये सारा सामान भूकंप प्रभावित इलाकों में बांट दिया जाएगा। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में गोलीबारी के बाद तनाव बढ़ गया है। कुछ घरों में आग लग गई, जिससे जलने से एक आदमी की मौत भी हो गई है और 4 लोग बुरी तरीके से झुलस गए हैं। फिलिस्तीन के लोगों ने आरोप लगाया है कि इसराइल के कुछ समर्थक उनके इलाके में घुस गए और वहां खड़ी कारों को आग के हवाले कर दिया। कुछ मकानों को आग भी लगा दिया गया। फिलिस्तीन और इसराइल के बीच दशकों से लड़ाई जारी है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बारिश और बर्फीले तूफान की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कई इलाकों में घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। लाखों घरों में बिजली गुल है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमा है, जिसकी वजह से जगह जगह लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। अपनी कारों में ही कई लोग फंस गए। जमीन खिसकने से परेशानी बढ़ रही है। प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। लोगों ने अब घरों में रहना शुरू कर दिया है और अपील भी की जा रही है कि आप घरों में ही रहें।